बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ईद का तीसरा दिन है और ईद की दावतें चल रही हैं हर घर की तरह, हमारे घर में भी। तो आज जो व्लॉग है वो ईद की दावत पर ही है। तो उसमें देखें मैंने जो चीज़ें बनाई हैं, अभी तो खैर 4 बजे का टाइम है, तो 4 बजे तक मेरी आधे से ज़्यादा चीज़ें रेडी हो गई हैं और अभी मेहमान नहीं आए क्योंकि रात के खाने की दावत है। तो उसमें मैं बस आज बिरयानी बना रही हूँ। तो ये मैंने चावल भिगो कर रख लिए हैं, 2.5 किलो के करीब चावल हैं ये, मैंने इनको भिगो कर रख लिया है। और मैंने तिक्का कढ़ाई बनाई है, ये देखें ये तिक्का कढ़ाई बनाई है। और सैलेड भी बन के रेडी हो गया है। इधर मैंने मीठे में शाही टुकड़ा बनाया है, इसको रैपिंग शीट से कवर कर दिया, तो शरीर आप लोगों को अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, तो जब मैं दस्तरखान लगाऊँगी और हटाऊँगी तो फिर दिखाऊँगी। इधर बिरयानी के लिए मैंने कोरमा बना कर रख लिया है सारा। और जो है मीठे में मैंने 2 किस्म के मीठे बनाए हैं, एक तो मैंने ये शाही टुकड़े बनाए और एक तो शाही टुकड़े बन गए हमारे, और ये मैंने चॉकलेट डिलाइट बनाया है। तो ये भी एक ही डिश बनाई है बड़ी, और ये एक ही डिश बनाई है। तो 2 किस्म के मीठे हो गए, सैलेड हो गया हमारा, और ये बिरयानी है हमारी, बीफ की बिरयानी है और टिक्का कढ़ाई है चिकन की। बाकी रायता वगैरह भी मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह फिर ये है कि आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। तो यही है आज का व्लॉग, तो देखते जाइएगा। चलो ये हमारे शाम के 7 बज गए, हमारे मेहमान आ चुके हैं, तो चलो उनका इस्तकबाल कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखें ये इधर हानी के मेहंदी लग गई है, और इनकी कज़न ने मेहंदी लगाई है, मेरी भांजी ने हानी के अभी आकर, और ये बिल्कुल नई और ताज़ी मेहंदी लगी हुई है, तो बस हमने छुटा दिए। अब हानी रेडी होने जा रही है ईद के तीसरे दिन के लिए, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये हानी रेडी हो गई हैं, तैयार हो गई हैं, 3rd डे लुक है ईद का इनका, और ये साथ में मेरी भांजी बैठी हुई है, ये कहते हैं हानी की कज़न भी हैं और भांजी है मेरी, और ये लोग ये सामान लेकर आए, और मिठाई है, केक है, ये फूलों की कलाइयाँ मेरी बहन लेकर आई हैं छोटी, और ये भांजी मेरी केक लेकर आई है एक दूसरी वाली, और ये मिठाई वगैरह ये सब ये लोग लेकर आए। तो बस इसी तरह चल रही है तैयारियाँ ईद की। क्या ढूंढ रहे हैं भाई?